हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं दीप्ति और आपका मेरे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूं दही की कढ़ी की रेसिपी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दही की कढ़ी बनाना बहुत ही इजी है, बहुत ही स्वादिष्ट लगती है और हम इसको बना सकते हैं मिनटों में। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जो हमें तड़का लगाना है उसको निकाल कर रख लेंगे। तो बारीक कटी हुई हरी मिर्च ली है, राई, मेथी, थोड़ी सी मेथी के दाने, जीरा और थोड़े से करी पत्ते, 20-25 मैंने यहाँ करी पत्ते यूज करे हैं। करी पत्ते बहुत ही अच्छे टेस्ट लाता है कढ़ी में, तो आप लोग जरूर ट्राई करें उसको। और यहाँ पर हमने यूज किया है हींग। हींग भी आप जरूर डालें कढ़ी में, बहुत ही अच्छी होती है डाइजेशन के लिए। तो अब हम यहाँ पर डाल रहे हैं 1 कप दही और 1/2 कप बेसन। और दही की क्वांटिटी ज़्यादा रखें, अगर आपके पास छाछ है या बटर मिल्क है तो आप उससे ही बनाकर रेडी कर सकते हैं। और अब बेसन और थोड़ी सी हल्दी डाल के और 2 कप पानी डालकर हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। लम्स फ्री हम इसका बैटर लिक्विड बनाकर रेडी करेंगे। और ये हमारा जो कढ़ी का जो ये बैटर होता है, इसको हमें पहले से ही रेडी करना पड़ता है और इसका बिल्कुल लिक्विड सा हम एक बैटर बनाकर रेडी कर लेंगे। मैं सिंपल हैंड मिक्सर से कर रही हूँ, अगर आपके पास इलेक्ट्रिक मिक्सर है तो आप उससे भी कर सकते हैं। अच्छे से हम इसको लम्स फ्री बैटर बनाकर रेडी करेंगे और फिर अपने आगे की प्रोसेस करेंगे। बहुत ही ईजी है दही की कढ़ी बनाना और बहुत ही स्वादिष्ट लगती है, बहुत ही पारंपरिक मेथड है ये। अब हम एक बड़ा सा बर्तन लेंगे, थोड़ा हैवी बॉटम का। तो मैं अपना ये कुकर ले रही हूँ, 3 लीटर वाला स्टील का कुकर है। और अब इसमें हम डालेंगे 1 बड़ा चम्मच ऑयल। ऑयल जब भी हम डालें तो आप देखें कि जो हमारा कुकर है जिसमें बना रहे हैं वो अच्छे से गर्म हो चुका हो। और अब हम अपने जो हमने तड़का यहाँ पर रेडी किया था वो डाल देंगे। ये देखें, हमने तड़का डाल दिया, अपने सारे मसाले हमने इसमें डाल दिए हैं। अब जैसे ही इसमें एक अच्छा सा छौंक रेडी हो जाएगा हमारा, तब हमारा जो ये लिक्विड है वो हम डालेंगे। एक बात का विशेष ध्यान दें कि जब भी वो लिक्विड डालें आप तुरंत उसको चला दें, तुरंत उसको स्टर करें, नहीं तो ये जो बेसन होता है वो बहुत ही जल्दी गाढ़ा होता है। तो लगातार चलाते रहें और पानी तुरंत डालें इसमें। मैं यहाँ पर 1/2 लीटर पानी डाल रही हूँ, आप अपने हिसाब से जैसे भी आपको पतली या गाढ़ी पसंद हो वो आप डालें। अब इसको हम पकाएंगे कम से कम 1/2 आवर के लिए। अब हम पकौड़ियों के लिए अपना जो हम पकौड़े बनाने वाले हैं बेसन के, उसके लिए बैटर रेडी करेंगे। तो मैंने यहाँ पर 1 कप बेसन ले लिया है, थोड़ी सी डाली है अजवाइन, थोड़ी सी जीरा और थोड़ा पिंच ऑफ हींग डाली है, थोड़ा सा हमने यहाँ पर हल्दी डाली है, थोड़ा सा धनिया पाउडर डाला है और स्वाद अनुसार नमक और थोड़ा सा मैंने यहाँ पिंच ऑफ सोडा भी डाला है। ये बिल्कुल ऑप्शनल है, पर सोडा डालने से जो हमारे पकौड़े हैं वो बहुत ही स्पंजी और बहुत ही यमी कुरकुरे बनते हैं, बिल्कुल सॉफ्ट। तो बस इन्हीं सभी चीज़ों डाल के हम थोड़ी सी लाल मिर्च यहाँ पर डाल रहे हैं और अच्छे से थोड़ा सा पानी डाल डालकर हम इसका थोड़ा सा गाढ़ा सा बैटर बनाकर रेडी कर लेंगे। अच्छे से मिक्स कर लेंगे, अच्छे से फेंट लेंगे। ये देखिए मैंने इसको अच्छे से विस्क कर लिया है। अब इसको हम रेस्ट करने के लिए रखेंगे कम से कम 10 मिनट के लिए, जिससे हमारा जो बेसन है वो अच्छे से फूल जाए। अब आप देख सकते हैं हमारी कढ़ी में भी अच्छे से बॉयल आ रहा है और बहुत ही अच्छी तरीके से गाढ़ी भी हो रही है, पकते पकते ये और गाढ़ी हो जाएगी। तो अब इस स्टेज पे हम डालेंगे सॉल्ट, नमक। नमक हम इस स्टेज पे इसलिए डाल रहे हैं और हल्दी भी डाल देंगे साथ में और थोड़ी सी यहाँ पर कश्मीरी लाल मिर्च भी डाल रही हूँ मैं। और अगर आप तीखी खाते हैं तो यहाँ पर लाल मिर्च भी डाल सकते हैं पाउडर वाली, पर हम यहाँ पर जो नमक डाल रहे हैं वो बाद में इसलिए डाल रहे हैं कि कभी भी दही के जो कच्चा दही होता है जब हम गैस पकाते हैं उस समय हम दही साथ में नहीं डालते, नहीं तो हमारी जो सब्जी है या कढ़ी है वो फटी फटी दिखती है। अब इसको अच्छे से बॉयल आने देंगे। अब हम एक कढ़ाई में गरम करेंगे ऑयल, अच्छे ज़्यादा से गरम करेंगे। जब भी आप पकौड़े बनाएं तो आपका जो ऑयल है वो बहुत ही अच्छी तरीके से गर्म होना चाहिए और फिर धीरे धीरे हम इसमें पकौड़ियाँ निकाल लेंगे। ये देखिए मैं इस तरीके से पकौड़े बना लेती हूँ। आप चम्मच की हेल्प से भी डाल सकते हैं, अपने हिसाब से छोटे बड़े जैसे भी आपको पसंद हो वो आप यहाँ पर डाल के रेडी कर लें। ये देखिए मैंने यहाँ पकौड़े बना लिए हैं, बहुत ही स्पंजी सॉफ्ट और यमी टेस्टी पकौड़े बनकर रेडी हुए हैं। अब इसको अच्छे से हम क्रिस्पी कर लेंगे बिल्कुल गोल्डन ब्राउन और फिर निकाल लेंगे किसी टिश्यू पेपर पर। कई लोग जो कढ़ी होती है उसमें बूंदी वगैरह भी डालते हैं, तो मैं आपको बूंदी बनाना ही बताऊँगी अभी। बूंदी भी बहुत ही अच्छी लगती है कढ़ी में। चलिए अब बूंदी भी बना लेते हैं। तो बूंदी के लिए मैंने एक बड़ी झरिया ली है, जिसमें जो पूड़ी निकालते हैं हम ये वही झरिया है। ये देखिए
बस इसको हमने थोड़ा सा ऑयल लगा लिया है और बिल्कुल गर्म कढ़ाई में हम धीरे धीरे जो बैटर है वो इसमें डालेंगे और थोड़ा थोड़ा हिलाते जाएंगे और नीचे जो हमारी बूंदी है वो अपने आप गिरेगी, अपने आप फ्राई होती रहेगी। अगर आप चाहें तो ये बूंदी अच्छे से बनाकर स्टोर भी कर सकते हैं लगभग 2 महीने के लिए। आप बूंदी का रायता हो या किसी भी चीज़ में बूंदी को यूज़ करना चाहते हैं तो आप इसको बना कर स्टोर करके रखें, बहुत ही टेस्टी लगती है। और ये जो बैटर है मैंने वही यूज़ किया है जो पकौड़े बनाने के लिए यूज़ किया था। ये देखिए हमारी क्रिस्पी बूंदी बनकर रेडी हो गई है। अब 15 से 20 मिनट हो चुके हैं और हमारी कढ़ी भी आप देख सकते हैं क्वांटिटी में काफ़ी कम हो गई है पकते पकते। तो अब इसका लास्ट में हम एक और तड़का रेडी करेंगे, इससे जो हमारी कढ़ी है उसमें बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। तो यहाँ पर 1 बड़े चम्मच गरम तेल में हम यहाँ पर डाल रहे हैं थोड़े से जो सूखी धनिया होती है वो धनिया के दाने और थोड़े से करी पत्ता, 1 लाल मिर्च सूखी और थोड़ी सी मैं यहाँ पर डाल रही हूँ पिंच ऑफ हींग, थोड़ी सी यहाँ पर राई भी डाली है। और अब इसको जैसे ही गर्म होगा तो हम लास्ट में पिंच ऑफ हल्दी डाल देंगे और इसमें अच्छे से हम मिक्स कर देंगे और लास्ट में इसमें तड़का हमारी कढ़ी में डाल देंगे और जो हमने अभी पकौड़ियाँ बनाकर रेडी करी थी वो भी हम इसमें ऐड कर देंगे। ये देखिए हमारी यमी टेस्टी कढ़ी की दही की कढ़ी बिल्कुल बनकर रेडी है। हमारी यमी टेस्टी कढ़ी बिल्कुल बनकर रेडी है, ऊपर से गार्निश करें विद कोरिएंडर लीव्स। आज का ये वीडियो, ये रेसिपी आपको कढ़ी की थोड़ी सी भी पसंद आई हो तो प्लीज लाइक जरूर कीजिए, शेयर कीजिए ज्यादा से ज्यादा लोगों को, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।